यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, यह प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया, मेरी प्रतिष्ठा की यहां पर कोई लड़ाई नहीं है, मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मेरे मठ में मिलती थी और वहां आज भी मिलती है। इस बयान को लेकर के भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के मन में कुछ और रहा हो, लेकिन इसका मतलब अखिलेश यादव ने अपने मन मुताबिक निकाल लिया है। इसीलिए उन्होंने इस बयान का सीधा तर्क दिल्ली से जोड़ते हुए एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वाले से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को कोई है पीछे। यानी उनका सीधा कनेक्शन जोड़ने का इरादा दिल्ली के उनके आला कमान की ओर था। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए, उसके बाद यूपी बीजेपी के अंदर की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष को करारा झटका लगा है। जीत से उत्साहित विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए यूपी में बीजेपी के ऊपर लगातार अखिलेश यादव हमलावर है। बीजेपी में जारी अंदरूनी घमासान पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इनके आपसी विवाद में यूपी की जनता पिस रही है। हालांकि दिल्ली मीटिंग के बाद ये मामला शांत हो चुका था, लेकिन सदन में सीएम योगी द्वारा एक बयान ने फिर से पारा गर्म कर दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जब कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री ने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना मेरा यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। जितनी प्रतिष्ठा यहाँ मिलती है उतनी मेरे मठ में यानी गोरखपुर के मठ में मिल जाती है। लेकिन अब इसका दूसरा मतलब अखिलेश यादव ने अपनी सियासत के मुताबिक निकाल लिया है। पहले आप वो सुनिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर क्या कहा है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त तो करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं? इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर अपने तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो यहां पर किसी की नौकरी करने नहीं आए और वो अपना काम करने आए। उन्होंने अपने काम के कुछ अंश भी बताए। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और दबंगई और तमाम चीजों का नाम लेते हुए कानून व्यवस्था समेत उन तमाम जो अराजक हैं उनको शांत करना, उनको सही ठिकाने लगाना उनका मुख्य लक्ष्य है और वो यहाँ किसी की नौकरी करने नहीं आए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी प्रतिष्ठा वाले बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने हवा खड़ा कर दिया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बयान को आते ही कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सीधे सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सरकार से पूछा कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये भी है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? सामने वालों से बात कर रहे हैं और पीछे वालों को सुना रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली यानी मोदी और अमित शाह के बीच की लड़ाई का मुद्दा लगातार अखिलेश यादव कथित तौर पर उठाते रहे हैं। इस कथित खींचतान केंद्र और लखनऊ के बीच में जो कथित तौर पर खींचतान है, इसको लेकर लखनऊ में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लगातार न सिर्फ तंज कसते रहे हैं बल्कि जब भी मौका मिला है उन्होंने सीएम योगी और मोदी को लपेटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि इस बयान के मायने क्या हैं ये तो योगी ही जानते हैं, लेकिन अखिलेश को तो सिर्फ मौका चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।